नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवाइ लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रणजीत चौटाला का मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा हो गया मंजूर। इसके बाद बुधवार को रणजीत चौटाला ने हिसार में दाखिल किया नामांकन। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल रही मौजूद। वहीं रणजीत चौटाला के नामांकन से बिश्नोई परिवार ने बना ली दूरी। वहीं दूसरी ओर रणजीत चौटाला के नामांकन से पहले ही लघु सचिवालय पहुंच गए किसान, या उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने बुधवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किया नामांकन पत्र। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नायाब सैनी, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री असीम गोयल भी रहे मौजूद। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया बयान कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी भाजपा की सरकार। हरियाणा की सबसे अहम सीट गुरुग्राम में कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटकर फिल्म स्टार राज बब्बर को इस बार बीजेपी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह के सामने उतारा चुनावी मैदान में। राज बब्बर के चुनाव लड़ने से इस सीट पर अब काफी दिलचस्प हो गया चुनाव, क्योंकि यहां से जेजेपी ने पहले ही बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को कैंडिडेट किया हुआ है घोषित। उम्मीदवार कुमारी शैलजा का बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए सिरसा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता। खास रही यह बात कि इनमें एक भी हुड्डा गुट के नेता नहीं थे शामिल। कुमारी शैलजा का नामांकन पत्र वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, श्रुति चौधरी व चंद्रमोहन बिश्नोई ने कराया दाखिल। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के प्रचार के लिए जिंद के मलिकपुर गांव में एक गाड़ी पर कई अज्ञात लोगों ने कर दिया हमला। गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह से भागकर बचाई जान। प्रचारकों का है आरोप कि 200 से 250 लोग तलवार लाठियां लेकर थे खड़े। सफीदो थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ करने व जानलेवा हमला करने का दर्ज कर लिया है मामला। रोहतक लोकसभा से जेजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सांगवान दंडवत करते पहुंचे अपने गांव खरकड़ा। जेजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद वह पहली बार पहुंचे थे गांव, इसलिए उन्होंने गांव की सीमा से दंडवत चलना किया शुरू और करीब 1 किलोमीटर तक चले पेट के बल। इसके बाद गांव के मंदिर में टेका माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टारगेट करना। हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेमका को पड़ने वाला है भारी। आईएएस अफसर रोहतक कमिश्नर संजीव वर्मा की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को कार्रवाई की दी है हिदायत। इसके बाद अब हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में आईएएस खेमका से स्पष्टीकरण मांगे जाने की शुरू हो गई है तैयारी। ईडी ने घर खरीदारों के पैसे की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में हरियाणा के समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह के बेटे सिकंदर सिंह को कर लिया है गिरफ्तार। ईडी ने उत्तराखंड के हरिद्वार से की है गिरफ्तारी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लिया गया हिरासत में। कुरुक्षेत्र के गांव में एसवीएल नहर से देर शाम 5 वर्षीय बच्ची का शव हुआ बरामद। कुत्तों ने नोचा हुआ था शव। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश। करीब 2 हफ्ते पुराना लग रहा है शव। नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। जानकारी के मुताबिक गोताखोर को नहर में कबाड़ के बीच एक बच्ची का शव पड़ा होने की मिली थी सूचना। रोहतक के सांपला कस्बे के वार्ड नंबर 5 में बुधवार तड़के एक मकान में लग गई आग, जिसकी चपेट में आने से झुलस गए परिवार के 4 लोग, साथ ही घर का सामान जलकर हो गया नष्ट। चारों को पीजीआई में कराया गया दाखिल। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के लोगों ने मच्छर से बचाव के लिए रात को जलाई थी अगरबत्ती, जिसके चलते चादर ने पकड़ ली आग। तो ये थी हरियाणा के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवाइ लाइव।